राउरकेला शहर के बजरंगियों ने हिंदुओं की सुरक्षा और हिंदुओं के हथियारों को फांसी दिलाने की मांग पर बजरंग दल की राउरकेला जिला में रविवार को प्रदर्शन किया। दिल्ली के रिंकू शर्मा प्रकरण में कानूनी कार्रवाई के जरिए दोषियों की फांसी की गुहार लगाते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर आंदोलन किया। राज्यव्यापी आंदोलन में बजरंग दल के राउरकेला जिले के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिला संयोजक शंकर वर्मा की अगुवाई में रविवार की सुबह उदित नगर मैदान में बैठक हुई और हिंदू हितों व हिंदुओं की सुरक्षा तथा रिंकू शर्मा समेत इन जैसे हिंदुवादी युवाओं की देश भर हो रही हत्याओं में चिंता जताई गई। इसके बाद बजरंग दल के पदाधिकारियों व सदस्यों ने अंचल की परिक्रमा की और एडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के उद्देश्य से स्थानीय पुलिस अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें देश भर में खासकर दिल्ली में हिंदुओं पर बढ़े हमले को रोकने, श्री राम भक्त रिंकू शर्मा के हत्यारों को फांसी, उनके परिजनों को न्याय दिलाने, 1 करोड़ व परिवार के 1 सदस्य को नौकरी तथा देश में जिन इलाकों में हिंदू अल्पसंख्यक है उन्हें सशस्त्र रखने का अधिकार व उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की गुहार लगाई गई। बजरंग दल के जिला संयोजक शंकर वर्मा की अगुवाई में हुए आंदोलन में विश्व हिंदू परिषद के विभाग संगठन मंत्री रामचंद्र नायक, विवेक कुमार गुप्ता, विनोद प्रजापति, दर्जनों बजरंगियों ने हिस्सा लिया। उल्लेखनीय है कि श्री राम मंदिर निधि समर्पण अभियान में शामिल होकर जय श्री राम बोलने पर दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा की हत्या से देश भर में उबाल है और हत्यारों को फांसी देने की मांग बजरंग दल ने की है।